गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का लेसन 2 हिंदी के वर्ण पढ़ेंगे। तो पढ़ना शुरू करते हैं बच्चों। हमारे मुख से निकली हुई ध्वनियों से ही भाषा बनती है। जब इन ध्वनियों को लिखा जाता है तो ये वर्ण कहलाती है। वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। बच्चों, वर्ण सबसे छोटे चिन्ह होते हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ओके, अब हम पढ़ेंगे वर्णमाला के बारे में। वर्णों का व्यवस्थित रूप वर्णमाला कहलाता है। बच्चों, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को ही क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्रमबद्ध वर्णमाला के अनुसार कर्मबद्ध वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे स्वर। पहले हम स्वर को पढ़ने से पहले हम स्वर के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं, स्वर के बारे में कुछ समझते हैं। ओके बच्चों, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य व्यंजन की सहायता से किया जाता है उनको ही हम स्वर कहते हैं। बच्चों, इसी प्रकार वर्णों की जो हमारी संख्या होती है उसमें स्वर की संख्या 11 होती है। वर्णों की संख्या कितनी होती है? अभी बताया था आपको मैंने, 52 वर्णमाला के अनुसार। और जो उसमें स्वर होते हैं वो कितने होते हैं? 11 है। ओके, तो हमारे स्वर कौन कौन से होते हैं पढ़ते हैं। अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। अब हम पढ़ेंगे बच्चों अयोग वाह। अयोग वाह, इसको पढ़ने से पहले इसके बारे में कुछ समझते हैं। अयोग वाह शब्द वे शब्द होते हैं जो ना तो स्वर के अंतर्गत आते हैं और ना ही व्यंजन के अंतर्गत, लेकिन यह स्वर स्वर के अंत में अवश्य लगाए जाते हैं। कहने का मतलब है योग न होने पर जो साथ हो उन्हें ही अयोग वह शब्द कहते हैं। तो बच्चों, अयोग वह शब्द कौन कौन से होते हैं? अह। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया आपके। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन, व्यंजन के बारे में।